अस्सलाम वालेकुम जी, अगस्त की आज 10 तारीख है और आपके लिए ये फेलोज की एक वीडियो लेकर आए हैं जी कि ये सीजन ऑफ का, तो इसमें ये ब्रीड तो नहीं करते अब, लेकिन इनको ब्रीड के लिए तैयार करना है, तो इनके लिए हमने जी आज ये देखें, इनको सब्जी में इनको कुल्फा डाला है, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, ये कुल्फा है जी और ये आयरन से भरपूर होता है जी, इसमें बेशुमार आयरन होता है। अच्छा ये देखें, सादी खुराक, फिलहाल गर्मी है तो इनको सादी खुराक पर रखा हुआ है, ये देखें जी बिल्कुल सादी खुराक है बाजरा, तो ये देख रहे हैं आप, ये आ रहे हैं खा रहे हैं, ये देखें माशाल्लाह इनका खुराक अच्छी होनी चाहिए, जो सेहतमंद होंगे तो फिर ये अच्छी ब्रीड करेंगे, अच्छे अंडे देंगे। और मैंने तकरीबन पिछले 8/8/2018 को ये मैंने 3 पेयर इसके अंदर डाले थे, इस पूरे पिंजरे में, मतलब अब ये लगा लें आप, आज 10/8/2020 हो गया, 2 साल में मेरे पास माशाल्लाह, ये आप नीचे भी देख सकते हैं, मैंने बेशुमार लोगों को दिए भी हैं और इनके मतलब मरे भी हैं मेरे पास ये, और आप देख लें ये नीचे भी बेशुमार है माशाल्लाह, ये ऊपर देखें ये बैठे हुए हैं, और ये बहुत बड़ी अच्छी ब्रीड इन्होंने की है, तो इनकी मतलब खुराक का ख्याल रखें, इनकी सेहत का ख्याल रखें, तो ये अच्छी ब्रीड करते हैं। सब्जे में देखें जी, ये कुल्फा भी मैंने इनको डाला है आज, ये ग्रीन खुराक में, ये देखें कितने शौक से खा रहे हैं, और जितना अच्छा इनके अंदर खुराक जान होगी, खुराक होगी, इनके आयरन होगा, इनके अंदर विटामिन पूरे होंगे, प्रोटीन पूरी होंगी, उतना अच्छा जो है ना ये आपको अच्छी ब्रीड देंगे। इनके लिए एक मैंने ख़ास तौर पे लोग देखें जी, नमक भी रखा हुआ है इनके लिए थोड़ा सा एक कारण पे, और एक ये मिट्टी का डला रखा हुआ है, काफ़ी बड़ा था ये, इन्होंने खा खा के इनको बस छोटा सा कर दिया है, ये कैल्शियम ब्लॉक भी एक पड़ा हुआ है ज़मीन, तो इससे माशाल्लाह आप देख सकते हैं जी कि बताने का मकसद ये है कि इनकी खुराक का मैं ख्याल करता हूँ, देर आजकल तो मैं सिर्फ इन्हें बाजरे दे रहा हूँ, अभी आने वाले वक्त में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि इनको मैंने क्या देना है, जो ये जो है ना फीड के लिए, ब्रीड के लिए तैयार हो जाए। ये उन भाइयों के लिए बता रहा हूँ जो जो नए नए शौकीन हैं, पुराने लोग तो सारा आपको पता है सब लोग समझते हैं, और ना किसी को बताते भी नहीं हम क्या कर रहे हैं, लेकिन चलें जितना मुझे पता है मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आप लोग शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी, और मैं आपके लिए मजीद फेलोज की वीडियो लेकर आऊँगा। ये देखें माशाल्लाह, ये सिर्फ 3 पेयर मैंने लिए थे 8/8/2018 पे, और आज 10/8/2020 है, ये देख लें जी 2 साल में ये जी माशाल्लाह मेरे पास ब्रीड है, और मैं तो इससे बड़ा मुतमईन हूँ, और तकरीबन सारे पेयर जो है ना मेरे पास 6 से ऊपर अंडे भी देते हैं और अच्छे बच्चे निकलते हैं, 10/10, 8/8, 9/9 की एवरेज से इन्होंने ब्रीड की है मेरे पास, ये आप देख सकते हैं, मतलब खुद भी परेशान हो जाता है कि अल्लाह ताला ने क्या कमाल किया, ये छोटा सा परिंदा है और 10 बच्चों को पाल रहा है, ये देखेंगे ये कुल्फा खाते हैं, देखें इनको सब, ये कुल्फा मैंने आयरन की वजह से मैंने कहा चले इनको आज डालते हैं, पालक वगैरह का भी इस्तेमाल करता हूँ, पुदीना भी हल्का फुल्का इनको डालता हूँ। अच्छा और इनके खुराक और इनको पानी छानी टाइम पे देते हैं, आज की गर्मी है, इनकी हालत टाइट हुई है, इतनी सख्त गर्मी है, बस आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है जी मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और नई वीडियो भी लेकर आ सकूं। सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी जो नई वीडियो होंगी, बेल आइकन को भी दबाएं जो नई वीडियो आपको मिल सके, और आप भी मुझसे शेयर करें जो आपका तजर्बा है, शौकीन हजरात तो एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो
आपको पता है एक दूसरे से शेयर करने से जो है ना बहुत सारे मसले हल होते हैं। ये देखेंगे ये फटियाँ वगैरह लगाई हैं इनके बैठने के लिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। और ये आउट सीजन में ये देखें जी, मैंने इनके ये कुछ ही निकाल के ये बाहर रख दी हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। तकरीबन जैसे ही सीज़न स्टार्ट होगा तो मैं इनको दोबारा इसके अंदर लगा दूँगा। ये देखें जी ये आप देखें जी माशाल्लाह हर तरफ पिंजरा माशाल्लाह भरा हुआ है जी, जिस तरफ देखेंगे आप वो पैरट्स पैरट नजर आएंगे। ये कितने शौक से खा रहे हैं जी। बाजरा भी रखा हुआ है लेकिन इतना ज़्यादा बाजरे को नहीं ये खा रहे जितने हिसाब से ये देखें सब्जी को खा रहे हैं, तो इनके खुराक में सब्जा रखें। अच्छा मैं इनको और इसके अलावा गीली रोटियाँ भी देता हूँ, वो भी बड़े शौक से खाते हैं। और बच्चा भी ब्रीडिंग कर रहे हैं तब तो इनकी फेवरेट गुजा आती है जी ये गीली रोटियाँ, गीली गंदम, मकई के मतलब कच्चे दाने, भुने हुए दाने, ये कच्चे दाने होते हैं वो छली के, वो एक बड़े शौक से खाते हैं। चलें इसके साथ ही मैं भाइयों से इजाज़त चाहूँगा, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके हौसला अफजाई की वजह से मैं भी वीडियो बनाता रहता हूँ कि चलें मेरे भाई देख रहे हैं, मुझे भी शायद इसका कोई फ़ायदा हो जाए। फिल वक्त तो कोई नहीं है लेकिन चलें इंशाल्लाह कोई ना कोई फ़ायदा इसका होगा। तो चलें फिर मैं इजाज़त चाहता हूँ। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।